वैसा देश वैसा भेष, देख कर ये आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आजकल लॉकडाउन चल रहा है और पूरे देश के अंदर जगह जगह से कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, तो ऐसे में अभी दो तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो अभी फसल का टाइम है और किसानों की फसलें खेतों में खड़ी हैं, उनका निकालना उनको और फिर मंडी तक पहुंचाना और फिर उसकी व्यवस्था करना, ये सरकार का काम है और किसानों का काम है खेतों से फसल को निकाल के और मंडी तक पहुंचाना। तो दोस्तों, अब ये बड़ा पेचीदा मामला है क्योंकि लॉकडाउन जिस तरह तादाद बढ़ रही है उस तरह लगता नहीं है कि ये एकदम पूरा खुल जाएगा और दोनों ही तरफ से ये दिक्कतें हो रही हैं। दूसरी चीज मैं खास, क्योंकि खबरें तो बहुत आती हैं रोजाना और आपके पास बहुत माध्यम हैं, टीवी चैनल भी बहुत हैं, अखबार भी बहुत आते हैं और भी सोशल मीडिया काफी है, लेकिन दो तीन चीजें जो मेन हैं वो मैं आपको शेयर करूंगा। सबसे पहली बात किसानों की समस्या की है, तो जिन दोस्तों को नहीं पता कि भाई ये ऑनलाइन करवाओ, तो जितना उनका फसल का ब्यौरा है, जिन्होंने नहीं करवाया है कृपा करके वो करवा दें, वरना उनको जो उनकी फसल है उसको बेचने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि किसान भाइयों से कि वो अपने जो गांव के अंदर कम्युनिटी सेंटर बने हुए हैं और जो कंप्यूटर के सर्विस सेंटर हैं, CSC जिसे बोलते हैं, वहां जाके अपने दर्ज करवाओ और ताकि आपकी फसल को आपको बेचने में कोई असुविधा ना हो। दूसरी बात दोस्तों, एक खास चीज देखने में और आ रही है, कोरोना के जो भी तबलीगी समाज के लोग हैं, पता नहीं किस कारण से वो डरे हुए हैं और अब तो चलो समय निकल गया क्योंकि उन्होंने सरेंडर नहीं किया और वो जहां भी हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो किसी दूसरे के पास तो हो नहीं सकते, उनके अपनों के पास वो मिलेंगे, या तो रिश्तेदारों के वहां जाएंगे या यारे प्यारे दोस्तों के पास मिलेंगे, तो हो सकता है वो कोरोना से संक्रमित हो, तो वो उनके लिए भी खतरा बन जाएंगे जहां जिन्होंने उनको शरण दे रखी है। तो उनका भी जरूरी चीज है कि उनको उजागर किया जाए और उनके टेस्ट करवाए जाए, क्योंकि सरकार भी काफी सख्ती बरत रही है और अभी ढील बहुत हो चुकी है, अब आगे और ज्यादा सख्ताई होने वाली है। तो इस किस्म की जो ये चीजें हैं ये आगे जाके, हालांकि मैं तो यहां तक कहूंगा कि लोगों को पता ही नहीं था कि गांव के अंदर भी तबलगी जमात के लोग रहते हैं, अब इस कोरोना वायरस की वजह से लोगों को पूरा पता लग गया। अब महम के अंदर ही देख लो ये जिस तरह की खबर उठी वहां और एक झूठी अफवाह निकली, वो क्योंकि FIR हुई है तो उसका पता तो लगेगा, क्योंकि पुलिस ने साफ कह दिया है कि वहां पर कोई ऐसे गतिविधियां नहीं पाई गई। तो वहां एक निजी YouTube चैनल को, यूट्यूबर को वहां FIR में शामिल किया है, हालांकि दो पत्रकारों के खिलाफ सुना है कि ये मुकदमा दर्ज हुआ है। तो इस किस्म के और भी बहुत से केस आएंगे और मैं तो पत्रकार साथियों से भी ये कहना चाहता हूं कि वो बढ़ा चढ़ा के या ज्यादा वाह लूटने के लिए इस तरह की खबरें मत प्रकाशित करें और न ही ऐसी खबरों पर ज्यादा ध्यान दें। अगर कोई न्यूज आती है तो उसको कन्फर्म जरूर करें, क्योंकि एक पक्ष की खबर झूठी हो सकती है, कई बार कानों सुनी भी झूठी होती है, कई बार आंखों देखी भी झूठी हो जाती है, और फिर सबूत के ऊपर जो चीज चलती है उसमें सबूत जरूरी है। अब जितने दावे के साथ इस पत्रकार ने यह कहा कि वहां पर आदमी हैं और थोड़े भी नहीं 15-20 आदमी, तो जाहिर है पुलिस वहां तफ्तीश करेगी, आसपास के लोगों से भी पूछेंगे, तो हो सकता है उनको किसी ने झूठी सूचना दी हो या फिर उनकी सूचना उस टाइम सच्ची हो, लेकिन पुलिस जब तक वहां पहुंची तब तक वो जा चुके हों, दोनों ही बातें हैं इसके अंदर। तो ये तो तफ्तीश का विषय है, वो तो पुलिस की कार्रवाई है, वो आगे अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन मेरा कहना ये है कि बगैर पूरे तथ्य जुटाए कोई भी इस किस्म की खबर प्रकाशित न करें और इस किस्म से
समाज के अंदर काफी कुछ मनमुटाव हो सकता है। अब लोगों को पता लग गया है क्योंकि हमारे जैसे ही उनके नाम रखे हुए हैं और तबलीगी जमात के जो वो सदस्य पाए गए हैं तो ये सबकी नजर से देखे जाने लगेंगे। तो ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि वो समाज से कटे, क्योंकि उनका न केवल सामाजिक रूप से बल्कि उनका आर्थिक रूप से भी बड़ा एक नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये मनमुटाव फैलेगा तो उनके कारोबार पर भी असर पड़ सकता है। तो ऐसी कोई भी घटना अगर होती है तो प्रशासन आपके लिए तैयार है, और गांव में तो खासकर प्रशासन की तो बहुत लेट जरूरत पड़ती है, पहले ही निमट लेते हैं लोग। तो इस किस्म की बातें, एक तो कानून हाथ में ना लें, अगर कोई ऐसा संदिग्ध पाया जाता है तो वो पुलिस के सुपुर्द कर दें। दूसरी बात, यहां जितने भी अभी तक केस मिले हैं वो सारे ज्यादातर तबलीगी जमात ने फैलाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो वैसे कुछ भी कहते रहे उनके नेता, लेकिन उनका फर्ज बनता है कि इनको निकाल निकाल के, क्योंकि खास बात जो मैंने बताई आपको, ये उन्हीं के खास आदमियों के पास या तो परिवार में या रिश्तेदारियों में या उनके मिलने वालों के साथ ही वो गए हैं, तो उन्हीं को संक्रमित करेंगे और सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं का होने वाला है। इसलिए अगर ऐसा कोई संदिग्ध मामला आपके संज्ञान में आता है तो उसको निश्चित तौर पर पुलिस के हवाले करें, या जो भी क्वारंटीन वगैरह है उसका ख्याल रखते हुए उनको बताएं, क्योंकि अब ये इट लिस्ट में आने वाले हैं। जितने भी ये बचे हैं अब ये छोड़े तो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि सरकार के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े आंदोलन पीछे हुए, उनको भी सरकार ने काबू किया है। तो ये तो एक मामूली सी बात है, और अगर ये शक के दायरे में आए तो इनका इलाज तो गांव वाले खुद ही कर लेंगे। तो ऐसी नौबत ही ना आए कि भाई ये जहां कहीं भी छिपे हैं, अब भी समय है, ये अपने आप का सरेंडर करें और अपना इलाज करवा लें। नहीं तो ये अगर दिन प्रतिदिन ये बढ़ता रहा तो ये लॉकडाउन भी बढ़ेगा और इससे पूरे देश को ही नहीं, समाज को भी और आपको और हमें भी, सबको समस्याएं का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए जरूरी चीज है कि इसका समय रहते इसका समाधान निकाल लें। और बातें बहुत सी हैं, लेकिन आप खाली हो सारी चीजें, आप पूरा दिन न्यूज देखते हो और इधर उधर से भी, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाहें न फैलाएं, कोरोना से बच के रहें, और अपना जो सिस्टम बना रखे आपने घर पर रहने का, ये थोड़ा सा और लंबा हो सकता है, तो इस पर भी ध्यान रखें। और ज्यादातर काम फोन से, इन्फॉर्मेशन के आजकल बहुत तरीके हैं, उनसे ही चलाएं। धन्यवाद।